अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स कम टू द लेसन। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 39। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 10। दिस इज अ फैमिली ऑफ 8। आठ का खानदान किसको कहा गया है? आठ का खानदान, ये आपको पिक्चर नजर आ रही है। ये जो सोलर सिस्टम है, इसमें सोलर सिस्टम जो है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, सबसे अहम एंड इम्पॉर्टेंट, और वही पार्ट जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। और इस सिस्टम को और इसके जो प्लैनेट्स हैं 8, इसको फैमिली कहा गया है। फैमिली ऑफ 8 यानी 8 का खानदान किसको? सारे सोलर सिस्टम को कहा गया है। तो इसीलिए आपके इस चैप्टर का नाम जो है वो फैमिली ऑफ 8 रखा गया है। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। If you look at the sky at night, you can see many stars. रात के वक्त जब आप आसमान को देखेंगे, आपको बेशुमार सितारे ऊपर नजर आते हैं चमकते हुए। यकीनन आपने देखा होगा ऐसा अक्सर। Some of these are not stars. ये जो सारे आपको चमकते हुए सितारे नजर आते हैं, दर हकीकत ये सारे के सारे stars नहीं होते, but planets. लेकिन कुछ इनमें से जो हैं वो planets होते हैं, सैयारे जिसे हम कहते हैं, सितारे नहीं सैयारे। सितारे सब शाइन कर रहे होते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच में कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं। दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ अदर स्टार्स। बेसिकली जो प्लैनेट्स होते हैं वो शाइन, उनकी अपनी लाइट नहीं होती, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, लेकिन हमें जब हम रात को देखते हैं तो हमें सभी चमकते हुए नजर आते हैं, सभी स्टार्स लग रहे होते हैं। असल में जो प्लैनेट्स हैं वो भी शाइन करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि जो बाकी सितारे होते हैं उनकी जब रोशनी, उनकी चमक पड़ती है इन प्लैनेट्स पे, तो ये भी चमकते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनफैक्ट उनकी अपनी लाइट, उनकी अपनी शाइन नहीं होती। सम ऑफ द प्लैनेट्स यू सी एट नाइट आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। हम आसमान पर जो देख रहे हैं, सैयारे और सितारे हमें नजर आते हैं शाइन करते हुए, इनमें से कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो असल में सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। हमें तो वहां पे वो ठहरे हुए नजर आते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट हो रही होती है। कहा गया रिवॉल्व अराउंड द सन जस्ट लाइक आर ओन प्लैनेट अर्थ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारा प्लैनेट है अर्थ है। यहां पर आपको नजर आएगा ये वाला जो प्लैनेट आपको नजर आ रहा है, ये सूरज से फासले के लिहाज से तीसरे नंबर पे, ये पहला, ये दूसरे रिंग में है और ये थर्ड रिंग में है अर्थ। ये है प्लैनेट अर्थ, ये वो प्लैनेट है जिसके ऊपर हम सब मौजूद हैं, इंसान है, उसकी जिंदगी है। यहाँ पर ये जो माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स और ये सारी अर्थ हमें नजर आती है, पूरा प्लैनेट है अर्थ। और हम आप अगर जो हकीकत है सोलर सिस्टम में, तो जैसे बाकी प्लैनेट मूव कर रहे हैं, इसी तरह से ये प्लैनेट भी मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें इस मूवमेंट का पता ही नहीं चलता, महसूस नहीं होता। These planets together with the Earth are called the planets of the solar system. ये सारे planets जिसके अंदर हमारा planet Earth भी शामिल है, ये सारे के सारे जो हैं ये move कर रहे हैं, revolve कर रहे हैं, और इस सारे system को जो है वो solar system कहा जाता है। The solar system is the name given to the sun and all the planets that revolve around it. Solar system नाम दिया गया है इस system को जिसके अंदर ये सूरज और इसके सारे प्लैनेट जो 8 हैं तादाद में वो शामिल हैं, और इस सारे सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं। देर आर 8 सच प्लैनेट्स, और ये 8 प्लैनेट्स हैं। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं। आपको यहाँ पे इनके नेम्स के साथ ये फिगर, ये डायग्राम नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख लें, दिस इज मरकरी जो सूरज के सबसे ज्यादा करीब है, ये जो फर्स्ट रिंग है। और ये आप याद रखिए, ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये सोलर सिस्टम में इस तरह सर्कल नहीं है, ये आपको समझाने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए यहाँ पे इमेजिनरी सर्कल बनाए गए हैं। इनफैक्ट ये बस इसी जगह पे, जैसे प्लैनेट्स हैं सूरज से इतने ही फासले पे, हर प्लैनेट मूव कर रहा है, हर एक का अपना ये ऑर्बिट है और अपने ही फासले पर वो मूव कर रहा है, एक खास रफ्तार है हर प्लैनेट की। और वहां पर ये रिंग्स नहीं बने हुए हैं, ये आपको शो करने के लिए रिंग्स बताए हैं, ताकि आपको पता चले कि सूरज से हर प्लैनेट का फासला कितना है। जैसे ये पहला रिंग आपको नजर आ रहा है, ये है मरकरी, ठीक है।
उसके बाद आपको ये दूसरे रिंग पे नजर आ रहा है वीनस, ये दूसरे रिंग पर मूव कर रहा है और ये इसका मदार है, ये अपने इसी ऑर्बिट में अपना एक खास उसकी स्पीड है उससे ये मूव कर रहा है सूरज के गिर्द। थर्ड वन है अर्थ, ये प्लैनेट जिसपे जिंदगी मौजूद है, इंसान होते हैं, ये वाला प्लैनेट जिसपे हम रहते हैं ये अर्थ है। और अगर हम फासले के लिहाज से देखे जाएं तो ये तीसरे नंबर पे है, पहला मरकरी है, दूसरा वीनस है और सूरज से फासले के लिहाज से अर्थ जो है वो तीसरा प्लैनेट है। उसके बाद आप फोर्थ रिंग पे चले जाएंगे तो ये है मार्स, ठीक है जी, फिर है जुपिटर और फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून और फिर सैटर्न है, उसके बाद सैटर्न के बाद यूरेनस है और फिर नेपच्यून है, ठीक है। ये डिस्टेंस के लिहाज से आपको डायग्राम नजर आ रही है। आज के लिए इतनी रीडिंग काफ़ी है, इसी से रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन भी हैं एक्सरसाइज में, मैं आपको वो साथ करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज द सोलर सिस्टम। अभी हमने सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट जहां से हो रहा है यहीं से, व्हाट इज द सोलर सिस्टम, ये लिखा हुआ है द सोलर सिस्टम इज द नेम गिवन टू द सन एंड ऑल द प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट। बस इतना सा हम इस आंसर को डिफाइन करेंगे, आपका आंसर नंबर वन ये है, व्हाट इज द सोलर सिस्टम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, नेम देम। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं और उनके आपने नाम लिखने हैं, ठीक है जी। इसी से आगे जहां आंसर वन खत्म हो रहा है, देयर आर एट सच प्लैनेट्स, ये तकरीबन सोलर सिस्टम में आठ प्लैनेट्स हैं, दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है जी। ये आपने उनके नाम भी बता दिए हैं और टोटल आठ हैं। और इसमें एडिशनल मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने जब सेकंड क्वेश्चन करना है, इसका आंसर है देयर आर से शुरू होगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर और नेपच्यून तक आप लिखेंगे, छोटा सा आंसर है। और इसी को लिखने के बाद आपने ये डायग्राम सोलर सिस्टम की डायग्राम बनानी है, ये आप एक फुल पेज पर बनाएंगे, दोनों आंसर्स जो हैं वो आपके एक साइड पेज पर आ जाएंगे, जो आपकी कॉपी का सामने पेज होगा वहां पर आप डायग्राम बनाएंगे सोलर सिस्टम की, ठीक है जी। दिस इज योर होम टास्क, आपने इसको करना है, क्वेश्चन आंसर्स को याद करें, रिमेनिंग चैप्टर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।